सब्सक्राइब कीजिए FeatFlix को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। स्प्लिट मूवी को डायरेक्ट किया है एम नाइट शामलिन ने, जो कि न सिर्फ इस मूवी के डायरेक्टर हैं बल्कि राइटर भी हैं। एम नाइट शामलिन इज बेसिकली वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर, जिनकी एक भी मूवी आज तक मैंने मिस नहीं की है। इनकी खास बात यह है कि इनके हर एक मूवी की स्टोरी हटके होती है, फुल ऑन थ्रिलर होती है, और सबसे यूनिक बात यह भी है कि अपने हर एक मूवी को वो डायरेक्ट भी करते हैं, राइट भी करते हैं, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्ट भी करते हैं। जी हाँ, अपने हर एक मूवी में कहीं ना कहीं पर ये छोटा सा किरदार भी निभाते हैं। इनकी सबसे पहली मूवी जो मैंने देखी थी वो थी लेडी इन द वॉटर। लेडी इन द वॉटर को देखने के बाद में मैं इतना इम्प्रेस हुआ था इस मूवी से कि मैंने तुरंत सर्च किया कि इस मूवी का डायरेक्टर कौन है, और मैंने तुरंत आगे आने वाले 3-4 दिनों में इनके द्वारा डायरेक्ट की सभी मूवीज देख डाली। मुझे इतनी अच्छी लगी थी लेडी इन द वॉटर, एज वेल एज आगे की जो भी मूवीज मैंने देखी वो भी मुझे बहुत पसंद आई है, तो इसलिए मैं इनकी कोई भी मूवी कभी भी मिस नहीं करता। तो चलिए मूवी के बारे में बात करते हैं। मूवी में लीड रोल के तौर पर काम किया है जेम्स मैकॉय ने एज डेनिस, पैट्रिशिया, हेडविग, द बीस्ट एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। ऐसे 23 कैरेक्टर का रोल किया है इन्होंने इस मूवी में। वेल, हम सभी 23 कैरेक्टर्स मूवी में नहीं देखते, बट अप्रोक्सीमेटली 7 से लेके 9 तक के कैरेक्टर्स इस मूवी में देखने को जरूर मिलते हैं। मूवी में आनिया टेलर जॉय ने भी एक्टिंग की है एज केसी कुक, और एक साइकोलॉजिस्ट के तौर पर काम किया है बेटी बकली ने एज डॉक्टर कैरन। बेसिकली यही 3 कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट है इस पूरी मूवी में। स्टोरी है जेम्स मैकॉय की, जिनको मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, यानी कि DID, जैसा कि इसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर यानी कि DID एक इंसान में तब होता है जब वो एक ही इंसान होते हुए भी अलग अलग इंसानों की तरह बर्ताव करने लगे। इनफैक्ट वो खुद ही सोचने लगे कि उसके अंदर अलग अलग इंसान मौजूद है या रह रहे हैं। ये एक साइकोलॉजिस्ट से अपने इस कंडीशन के बारे में बात करते रहते हैं, और ये साइकोलॉजिस्ट यानी कि डॉक्टर कैरन जब इनको काफी वक्त तक एग्जामिन करती है तो उनको कुछ शॉकिंग रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। ऐसे रिजल्ट्स जो कि मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर से एक स्टेप आगे है या उससे कई ज्यादा है। डॉक्टर कैरन को यह पता चलता है कि इनके अंदर 23 अलग अलग शख्सियत रह रही है, और एक लास्ट 24वां शख्सियत भी है जिससे कि बाकी 23 बहुत डरते हैं। वो क्या है और क्यों बाकी के 23 पर्सनालिटी इस 24वें पर्सनालिटी से डरते हैं, और क्या जेम्स मैकॉय को सच में कोई बीमारी है या फिर सच में कोई 23 पर्सनालिटी है या 24वीं पर्सनालिटी भी है, ये मूवी इन्हीं सभी सवालों के जवाबों को एक्सप्लोर करती है। अभी तक के साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर उन लोगों में ज्यादा देखी गई है जिनका बचपन बहुत ही डिस्टर्बिंग तरह से बीता हो, और कहीं ना कहीं जेनेटिक कंडीशंस भी रीजंस होते हैं मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के। ये मूवी आपको बहुत ही ध्यान से देखनी और समझनी होगी, वरना मूवी एक नॉर्मल मूवी के अलावा और कुछ नहीं होगी आपके लिए, और प्रॉब्ली शायद कहीं ना कहीं आप इस मूवी से बोर भी हो जाएंगे। मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर को अच्छी तरीके से समझने के लिए एम नाइट शामलन ने इस मूवी में हमारी लीड हीरोइन को भी डाला है जो खुद बचपन में सफर कर चुकी है। जैसे जैसे जेम्स मैकॉय के अलग अलग पर्सनालिटी से हम मिलते हैं वैसे वैसे हमारी लीड हीरोइन के पास्ट के बारे में हमें जानने को मिलता है, और कैसे हमारी हीरोइन अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस से अपने आप को जेम्स मैकॉय से बचाने की कोशिश करती है, ये इस मूवी में अच्छे से दिखाया गया है। बात करते हैं जेम्स मैकॉय की। वाव, मैं इनकी एक्टिंग से ऑलरेडी इम्प्रेस हो चुका था एक्समैन फर्स्ट क्लास में व्हेन ही परफॉर्म्ड एज प्रोफेसर चार्ल्स एक्सजेवियर, बट इस मूवी में ही टुक हिज एक्टिंग टू द नेक्स्ट लेवल। नॉट जस्ट एक्टिंग, जो फिजिक देखने को मिलता है हमें इनका वो लाजवाब था। अब क्योंकि एक ही एक्टर अलग अलग कैरेक्टर्स की एक्टिंग कर रहा है तो ज्यादातर हमें पूरे स्क्रीन में जेम्स मैकॉय के अलावा और कोई देखने को नहीं मिलता, जो कि कहीं ना कहीं हमें बोर कर देना चाहिए, बट फॉर्चुनेटली ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इंस्टेड यू एंड अप लाइकिंग हिज कैरेक्टर एंड यू एंड अप लाइकिंग हिज ऑसम एक्टिंग। मूवी में सस्पेंस को मूवी के एंड तक बरकरार रखा गया है जिससे मूवी में आपका इंटरेस्ट हटता ही नहीं है। इनफैक्ट जिस लोकेशन पे जेम्स मैकॉय रह रहे हैं उस लोकेशन को भी सीक्रेट रखा गया है मूवी के एंड तक। मूवी में जब जेम्स मैकॉय अपने ही अलग अलग कैरेक्टर से इंटरेक्ट करते हैं वो सीन देखने लायक है। उस सीन्स की डायरेक्शन काफी अच्छी है। लाजवाब डायरेक्शन से दिखाया गया है कि कैसे ये अपने ही अलग अलग कैरेक्टर से बात कर रहे हैं, और कैसे वो एक कैरेक्टर से डर रहे हैं, कहां पर एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से नहीं डर रहा है, और कहां पर सारे के सारे 23 कैरेक्टर एक 24वें कैरेक्टर से इतना डरते हैं कि पूछो मत, और इसका श्रेय डायरेक्टर और एक्टर को जाता है। जेम्स मैकॉय की एक्टिंग इतनी अच्छी है कि आप जब इन सभी कैरेक्टर से मिलते हैं, जब कैरेक्टर्स ये सब दिखाए गए हैं, तो आपको एक मिनट के लिए भी नहीं लगता बॉस ये थोड़ा सा उस कैरेक्टर से मिल रहा है, ये अलग नहीं लग रहा है। यू रियली गो डीप इनटू द कैरेक्टर। अरे हाँ यार, ये तो पूरा अलग ही हो गया। ओ, ये तोतलाकर बात कर रहा है,
ओ ये तो फुल लेडी की तरह बात कर रही है, ओ ये तो इसका कुछ अलग ही तरीका है प्रेजेंटेशन का। आई मीन लाइक जेम्स मैकॉय ने इतनी बढ़िया एक्टिंग डिलीवर की है कि आपको लिटरली लगता है कि वो सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि 23 अलग अलग एक्टर आपके सामने खड़े हैं और इस मूवी में एक्ट कर रहे हैं। सो हैट्स ऑफ टू द एक्टिंग एंड टू द डायरेक्शन। सो डायरेक्टर अपनी डायरेक्शन से और एक्टर अपनी एक्टिंग से आपको इतना कन्विंस कर लेते हैं कि आपको ये लगने लगता है कि यस देयर आर रियली 23 डिफरेंट कैरेक्टर्स लिविंग इनसाइड जेम्स मैकॉय। और जब आप रियली कन्विंस हो जाते हैं यू आर रियली सरप्राइज बाय द एंडिंग ऑफ दिस मूवी। ये मूवी शॉकिंग और इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि मूवी के एंड में इस मूवी को एम नाइट शायमलन की मूवी अनब्रेकेबल जो कि रिलीज हुई थी 2000 में उससे कनेक्ट किया गया है। और न ही सिर्फ कनेक्ट किया गया है बल्कि एम नाइट शायमलन की नेक्स्ट मूवी ग्लास जो कि रिलीज होगी 18 जनवरी 2019 में उसमें स्प्लिट और अनब्रेकेबल मूवी के तीनों कैरेक्टर्स आपको साथ में देखने को मिलेंगे जो कि फाइनली इन तीनों का फेट डिसाइड करेंगे। तो अगर आपने अनब्रेकेबल मूवी नहीं देखी है तो सबसे पहले अनब्रेकेबल देखिए, उसके बाद में स्प्लिट को देखिए, वरना स्प्लिट के एंड सीन्स आपको समझ में नहीं आएंगे और ग्लास मूवी तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी जो कि 2019 में आने वाली है जो कि इन दोनों मूवी के कैरेक्टर्स के ऊपर ही बेस्ड है। मूवी का रिव्यू खत्म करने से पहले मैं मूवी में एक सीन है जो कि बताया बगैर नहीं रह पा रहा हूं। एक्चुअली मूवी में एक सीन है जहां पर जेम्स मैकॉय डांस कर रहे हैं, लाउड म्यूजिक है और हीरोइन उनके सामने खड़ी है और वो ऐसे डांस कर रहे हैं। डांस करते करते आप उनके फेशियल एक्सप्रेशन को जब देखेंगे तो यू विल लिटरली फील लाइक एक कोई बहुत बड़ा साइकोटिक आदमी आपके सामने खड़ा है। सिर्फ डांसिंग से नहीं, उनके एक्सप्रेशन से तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये आदमी सच में पागल है, फुल ऑन पागल है, इससे तो हमें बच के रहना चाहिए। आई मीन लाइक पता नहीं कहीं ना कहीं वो सीन देखकर मुझे चिल्स आ रहे थे। आई मीन लाइक द वे जेम्स मैकॉय हैज एक्सप्रेस्ड हिमसेल्फ इन दैट डांसिंग, आई मीन लाइक लिटरली यू हैव टू वॉच दैट सीन और वो सीन 100% आपको जरूर चिल्स देगा। ओवरऑल सस्पेंस और थ्रिल से भरी ये मूवी न सिर्फ आपको एंटरटेन करके रखती है बल्कि इसका एंड आपको हिला कर रख देता है। और कहीं ना कहीं आप ये खुद से पूछते हैं कि यार क्या ऐसा सच में हो सकता है। सो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस मूवी को रेट करूंगा 7 out of 10। इस मूवी का पहला पार्ट यानी कि अनब्रेकेबल मूवी को भी मैंने रिव्यू कर दिया है, आप यहाँ पर क्लिक करके वो रिव्यू देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक डाल दिया है, आप वहां पे भी उसे चेक कर सकते हैं। तो आपको हमारा ये मूवी रिव्यू कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यू ऑल हैव अ वेरी ग्रेट डे।